ये एक इनहेलर होता है जिसे धुएं वाला इनहेलर कहते हैं या मीटर डोज इनहेलर कहते हैं। सबसे पहले इस इनहेलर को आपने मिक्स करना होता है ताकि दवाई की जो डेंसिटी है, क्योंकि वेपर्स की फॉर्म में दवाई होती है, जो दवाई की डेंसिटी है वो प्रॉपर एडमिक्सचर फॉर्म के अंदर आ जाए। इसको मैं ऐसे मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद आप इनहेलर का कैप खोलते हैं। कैप खोलने के बाद आपने एक बार अंदर जरूर चेक करना है, क्योंकि सम टाइम्स इनहेलर को ऐसे ही रख दिया जाता है, कैप नहीं किया जाता, उससे इसके अंदर कोई इंसेक्ट या किसी किस्म के बैक्टीरियाज या किसी किस्म का मॉस्किटो को इस तरह का पैरासाइट या कुछ भी इसके अंदर लग जाता है, जिससे आप खींचते हैं और ऐसे ही इनहेलर को अंदर ही नील कर लेते हैं। तो पहले मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैंने कैप को रिमूव किया। कैप को रिमूव करने के बाद आप इनहेलर को ये वाला हिस्सा जो है अपने मुंह में रखते हैं और फिर बटन दबाते हैं। करके दिखाता हूं मैं। जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, वेपर्स निकले, उसी दौरान आपने सांस को खींच लेना है। इधर से बटन प्रेस किया और साइमल्टेनियसली आपने, यानी उसी वक्त आपने सांस खींच लिया, ताकि दवाई लीक हुए बगैर सारी की सारी फेफड़ों के अंदर पहुंच जाए। और जब आपने सांस लेना है तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी के कौन से मरीज का सांस कितना खराब है, आपने इसको सांस को रोकना भी है। कुछ लोगों का सांस बहुत ज्यादा खराब नहीं होता, इसलिए वो 2-4-5 सेकंड के लिए रोक लेते हैं। कुछ लोगों का सांस बहुत उखड़ा होता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा होती है या सांस को रोकने की कैपेसिटी उनकी नहीं होती, तो वो फौरन सांस को छोड़ देते हैं, ज्यादा देर रोक नहीं पाते।